नमस्कार दोस्तों, गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ IBPS SO 2019 के मॉक टेस्ट पेपर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। तो दोस्तों आप जल्दी जल्दी से जो है जुड़ जाइए, क्योंकि ये लाइव क्लास है आप लोगों के लिए, और जैसे ही आप जुड़ जाएँ तो मुझे मैसेज करें, क्योंकि ये लाइव क्लासेस मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। जितनी भी जो क्लासेस यहाँ पर अब चलेंगी वो लाइव क्लासेस रहेंगी IBPS SO 2019 मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो एग्ज़ाम होगा उसी पे बेस्ड इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, उन्हीं को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जो है जुड़ जाइए। दोस्तों आप लोग जैसे ही जुड़ जाएं तुरंत जो है आप मैसेज टाइप करें। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता हो जाए कि जो है IBPS SO 2019 की लाइव क्लासेस जो है स्टार्ट हो गई हैं गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं आज का पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, जिसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर द सीड रेट फॉर सीसम इज क्या है। ये ऑप्शन ए 2 to 3 kg, 3 to 4 kg, 4 to 5 kg और 5 to 6 kg। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। सीड रेट आपको यहाँ पर बताना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही राइट ऑप्शन है इसका। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द सीड रेट ऑफ सीसम इज 3 to 4 kg होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही आंसर हो सकता है इसका, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो गई डी राजस्थान। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज पॉड ग्रेन सिलिका कैरियोपसिस। इन चार में से क्या हो सकता है। द फ्रूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसकी फ्रूट को, पॉड होगा, ग्रेन होगा, सिलिका होगा, कैरियोपसिस होगा, इन चार में से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन सी सिलिका, राइट ऑप्शन इज सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन
द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड फर्टिलिटी इंडेक्स सॉइल फर्टिलिटी सॉइल प्रोडक्टिविटी नन ऑफ दीज इन चार में से कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर आपको यहाँ पे चूज करना है इन चार में से कौन सा हो सकता है आंसर इज बी सॉइल फर्टिलिटी सॉइल फर्टिलिटी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट वाज गिवन बाय डीजे निकोलस अर्नॉन एंड साउथ जे एस कन्वर राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी जो है अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाएं और जो क्वेश्चंस आज के लिए इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं लाइव सेशन के लिए तो वो इससे जो है ये उनका छूट ना जाए ऐसा जो है जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो तो इसलिए जो है आप इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी अर्नॉन एंड साउथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पटेटो इज मॉडिफाइड स्टेम है मॉडिफाइड रूट है मॉडिफाइड लीफ है मॉडिफाइड फ्लावर है क्वेश्चन 16 सिक्स क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए ये मॉडिफाइड एक स्टेम है ये तना है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द मेथड ऑफ इरीगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अंडुलेटिंग इज फूड फ्लड इरीगेशन स्प्रिंकलर इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन या सब सरफेस इरीगेशन तो यहाँ पे इरीगेशन कौन सा मेथड होगा यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ रोहन जाधव जी ने जो है फर्स्ट आंसर यहाँ पर दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर बी दे रहे हैं तो जाधव जी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर होगा बी इज राइट आंसर जाधव जी आई मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा इज ऑप्शन ए 1 to 2 centimeter सेकेंड 3 to 4 centimeter 4 to 5 centimeter एंड डी 5 to 6 centimeter यहाँ पर आप जो है मैसेज कमेंट करके आप इसका राइट आंसर यहाँ पर दे सकते हैं कि इन चार में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा तो आप जल्दी जल्दी से जो है इसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके आंसर का वेट किया जा रहा है आप जल्दी से जो है इसका आंसर दे सकते हैं कि डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा को कितने डेप्थ के सोइंग के लिए जो है उसकी जो एक स्केल होता है डेप्थ का वो कितना हो सकता है यहाँ पर 1 to 2 centimeter होगा 3 to 4 centimeter होगा या फिर 4 to 5 centimeter या 5 to 6 centimeter तो न इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा फ्रेंड्स ए 1 to 2 centimeter मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सॉयल एसिडिटी जिप्सम लाइम आयरन पायराइट्स या फिर बोथ ए एंड बी तो कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है आप यहां पर जो है कमेंट करके इसका बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर आप राइट आंसर यहां पर दे सकते हैं कि क्या हो सकता है यहां पर IUPS AFO लाइव क्लासेस जो है यहां पर चल रही हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है मैं इसमें लेकर आऊँगा जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इनके प्रीवियस ईयर में पूछे गए या फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा बी लाइम विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी तो उसके लिए लाइम का यूज़ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन
इफेक्टिव ऑफ ग्रोइंग अ कैच क्रॉप इज टू ए ऑप्शन एड मोर रेजिड्यूज टू द सॉयल बी प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ सॉयल सप्रेस वीड्स गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो इसका यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर दे सकते हैं इसका आंसर। 120 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपके आंसर का वेट किया जा रहा है कि कौन इसका आंसर अभी जो है सही आंसर दे सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, डी जो है इसका यहाँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्यूरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड ब्लैंक है अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 1% 1.5% 2% या 2.5% विच वन इज राइट आंसर। आपको यहाँ पर बताना है इन चार में से कौन सा इसका जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर ये ब्लैंक जो है इसमें क्या फिल किया जाएगा। 121 का यहाँ पर क्या राइट आंसर हो सकता है, तो फ्रेंड राइट आंसर होगा यहाँ पर बी 1.5%। बंट फॉर्मर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फरोज रिड्स बंट्स या फिर सॉयल स्मूथ ऑल ऑफ दीज। इन चार में से क्या होगा इसका यहाँ पर सही आंसर, आपके आंसर का वेट देखते हैं इसका कौन जो है सबसे पहले आंसर जो है करेगा। तो 122 का यहाँ पर राइट आंसर इज बी, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज एडिशन मैट्रिक फोर्स कोहेशन नन ऑफ दीज विच वन इज राइट आंसर इन फोर ऑप्शंस। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा इसका जो है राइट आंसर हो सकता है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। देखते हैं कौन जो है इसका सबसे तेज आंसर यहाँ पर देगा। तो 123 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी कोहेशन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन द अपर लिमिट ऑफ द सॉयल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज PWP 15 बार्स फील्ड कैपेसिटी 1/3 बार हाइग्रोस्कोपिक कोफिशियंट या मैट्रिक सक्शन। इन चार में से इसका क्या सही आंसर होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 राइट आंसर इज ऑप्शन बी फील्ड कैपेसिटी 1/3 बार्स। मूव ऑन, आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जल्दी जल्दी जो है इसके आंसर बता सकते हैं। 125th क्वेश्चन है अ डिवाइस फॉर मेजरिंग परकुलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम अ कॉलम ऑफ सॉयल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, इन फिल्ट्रोमीटर इवेपोमीटर साइक्रोमीटर लेशीमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है लाइसीमीटर होगा यहाँ पर, इनफिल्ट्रोमीटर होगा, इवेपोमीटर होगा, इवेपोरीमीटर होगा या फिर साइक्रोमीटर होगा। चार में से कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है यहाँ पर, राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है क्वेश्चन नंबर 125th। तो राइट आंसर इज डी लेशीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर
इन ओपन कंड्यूट इज़ नोन एज, ऑप्शन आपके ये हैं वीनोज, पार्सल फ्लम, या फिर वाटर मीटर मीटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 126 राइट आंसर इज बी, पार्सल फ्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नोन एज, लिसीमीटर, ऑडोमीटर, पीजियोमीटर, इवेपोरीमीटर। आपको यहाँ पे इन चार में से सही जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 127 राइट आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, पीजियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज 20-25 kg per hectare, 18-20 kg per hectare, 30-35 kg per hectare, या 10-15 kg per hectare। क्वेश्चन नंबर 128 राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, आप जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 128 का यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 20-25 kg per hectare सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय बॉटनिकल नेम ऑफ रेगी इज, क्या होगा ए बी सी डी, इन चार में से कौन सा हो सकता है, एलियोशन, कोरेकना, या फिर एक्नो क्लोआ, फ्रूमेंटेसिया, पैनिकम मिलिया सियम। इन चार में से तीन दिए और नन ऑफ दिस, इन ए बी सी में से होगा या फिर डी होगा, कौन सा इसका जो है राइट आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर होगा ए, एलियोशन कोरेकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम इज पॉड वॉटर, कट वर्म, एफिड, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 130 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपके पास 5 सेकेंड टाइम है, आप इसका जो है सही आंसर यहाँ पर दे सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर जो है रोहन जाधव जी जिन्हें ऑप्शन बी को चूज़ किया है, तो देखते हैं रोहन जाधव जी का यहाँ ऑप्शन बी राइट होता है या नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम इज, तो क्वेश्चन नंबर 130 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, पॉड बोरर। जो सीरियस मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम का है वो है पॉड बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंड नट आर, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंड नट कितना है, 20-50%, 26-45%, 45-26%, या 50-26%। क्वेश्चन नंबर 131 राइट आंसर इसका क्या हो सकता है यहाँ पर, आप जल्दी से जो है कमेंट करके यहाँ पर आंसर दे सकते हैं इसका क्या होगा इसका सही आंसर यहाँ पर दोस्तों। तो आप जल्दी जल्दी जो है कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 131 राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आइए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा, जो ऑयल एंड प्रोटीन का कंटेंट है ग्राउंड नट में वो होता है 45% एंड 26% के रेशियो में होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशंस इज कॉल्ड, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, नो टिलेज, हैवी टिलेज। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होगा, रेजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन 132 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप जो है जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जो है दे सकते हैं कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर देखते हैं कौन सा जो है कैंडिडेट सबसे पहले जो है इसका आंसर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 132 का यहाँ राइट आंसर होता हुआ बी मिनिमम टिलेज, वो होगा मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, एन फर्टिलाइजर, पी फर्टिलाइजर, के फर्टिलाइजर, नन ऑफ दिस, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर या फिर फास्फोरस फर्टिलाइजर, इन तीन में से कोई है या फिर डी नन ऑफ दिस, जिस पे जो है इंडिया फुली पूरी तरीके से जो है इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 133 का यहाँ राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप जो है जल्दी जल्दी इसका कॉमेंट करके जो है आंसर दीजिए, देखते हैं कौन जो है इसका सबसे पहले आंसर यहाँ पर करेगा। क्वेश्चन नंबर 133, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर या फिर पोटेशियम फर्टिलाइजर या नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर सी, पोटेशियम फर्टिलाइजर पे जो है इंडिया फुली इनडिपेंडेंट फुली डिपेंडेंट है, वो भी किस पे, इम्पोर्ट पे। अगला क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम्स द ग्रोथ रेट ऑफ क्या होगा, ग्रेटर देन 2.5% पर एनम या फिर ग्रेटर देन 3.0% पर एनम या फिर 4.0% पर एनम, 5.0% पर एनम, यहाँ क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, आप जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 134, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, ग्रेटर देन 4.0% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट, आपको ग्राउंड नट में जो है कौन सा स्टेट जो है प्रोडक्शन के बेसिस पे जो है लीड करता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, राजस्थान है या हरियाणा है, गुजरात है, इन चार में से कौन सा वो स्टेट है आपको यही बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 135, इसका सही आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर फ्रेंड्स, 135 फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो डी, गुजरात जो है ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में जो है कंट्री को लीड करता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, रिमोट सेंसिंग हेल्प इज स्टडिंग किस फील्ड, जो रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडिंग किसको जो है वो स्टडी करता है रिमोट सेंसिंग, क्रॉप्ड एरिया, सॉयल कैरेक्टर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ऑल ऑफ द एबव, इन चार तीनों को करता है या इन तीनों में से कोई एक है, तो आपको यह बताना है 136 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे राइट आंसर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा इसका होगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है उनको भी पता चल सके कि जो है एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, मेंस की क्लासेस लाइव चल रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये जो तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं उनकी तीनों को जो है स्टडी के हेल्प में ये काम करता है रिमोट सेंसिंग जो है आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशेंसी ऑफ बोरॉन, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 137 राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप जो है कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशेंसी ऑफ, ए हो सकता है बोरॉन होगा, बी आयरन होगा, सी नाइट्रोजन होगा, डी या फिर फास्फोरस होगा, इन चार में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, विच वन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 137, राइट आंसर इज ए बोरॉन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट? सी ए होगा, सी कार्बन, बी नाइट्रोजन, एस सी सल्फर, जिंक या फिर डी होगा जिंक। इन चार में से कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 138, राइट आंसर इज सी ए। यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, यानी कि कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंगबीन इज नोन एज? मूंगबीन को क्या कहते हैं यहाँ पर? द जर्मिनेशन, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंगबीन इज नोन एज एपिगल, हाइपोगल, हाइपोपिगल या फिर एपिहाइपोगल। इन चार में से क्या होगा इसका सही आंसर? ए बी सी डी, चार में से कौन सा हो सकता है यहाँ पे सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 139, राइट आंसर इज ए। यहाँ पर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन इज? ए बी सी डी, चार में से क्या होगा? आर फेसियोली, आर ग्लाइसिकम, आर जेपोनिकम, आर लेगुमिनो सेरम। इन चार में से क्या होगा? विच वन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 140, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन इज? ए बी सी डी, कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है यहाँ पर फ्रेंड्स? आप जो कमेंट करके जल्दी जल्दी जो है इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कौन इसका, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करता है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो है एग्रीकल्चरल की जो है लाइव क्लासेस चल रही हैं। IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की यहाँ पे लाइव क्लासेस, मेंस के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो क्वेश्चन आइए दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। 140 का यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा सी, आर जेपोनिकम जो इसका राइट आंसर है यहाँ पर। तो दोस्तों आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में मैंने जो है आप लोगों से जो है 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। 60 क्वेश्चन जो है आपके जो है मेंस एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से मैंने 30 क्वेश्चनों पर बात की है। तो अगले सेशन में जो है मैं 30 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा यहाँ पर, और मैं टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन ला रहा हूँ, और उसके बाद जो है मिसलिनियस क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा यहाँ पर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके जो है आप अपने जो है व्यूज़ को भी आप अपने थॉट बता सकते हैं, आप अपने सजेशन, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। आप जो है आपके पास अगर कोई न्यू आइडिया है उसे भी आप जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और लाइक करें, कॉमेंट करें, और जो है वीडियो को शेयर करने के बाद जो है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी मैं जो है लाइव क्लास लेकर आऊँगा या मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाएगा, ताकि मेरी एक भी वीडियो आप जो है मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब नए जोश और नए उमंग के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।